ये साल था 2008 और इंडिया में इस वक्त हीरो होंडा हंक, हीरो होंडा सीबीजी, बजाज पल्सर और टीवीएस अपाचे जैसी नेकेड स्पोर्ट कम्यूटर बाइक्स का एक तरफा राज हुआ करता था। वहीं इस दौरान एक कंपनी ऐसी भी थी जिसकी बैक टू बैक सभी मोटरसाइकिल्स इंडियन मार्केट में फ्लॉप होती जा रही थी। लेकिन इसी साल एक ऐसी मोटरसाइकिल भी देखने को मिली जिसमें 160cc का पावरफुल इंजन, सबसे ज्यादा मस्कुलर डिजाइन और सबसे ज्यादा चौड़ा 140 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिला। और गजब की बात देखिए, ये बाइक उसी कंपनी से आती थी जिसकी अब तक सभी मोटरसाइकिल्स इंडियन मार्केट में फ्लॉप होती जा रही थी, और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि हमारी जानी मानी यामाहा कंपनी थी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी हमसे यामाहा एफजी के टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आज हम बात करेंगे यामाहा एफजी से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में, कैसे इस लेजेंडरी बाइक की शुरुआत हुई और कैसे अब इसका अंत होता जा रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा तो आप इसे 1.5x पर भी देख सकते हैं। एफजी की हिस्ट्री में आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि इस बाइक की अब तक चार वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। नंबर 1 यामाहा एफजी 16, नंबर 2 एफजी वर्जन 2, नंबर 3 एफजी वर्जन 3 एंड नंबर 4 एफजी वर्जन 4 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है इन 2024। लेकिन इस वीडियो में हम इसके साथ साथ फेजर 250 और एफजी 25 के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही यामाहा की क्या स्ट्रेटेजी पैटर्न है इस बाइक को लेकर वो मैंने वीडियो के एंड में बताया, तो वीडियो को एंड तक देखना फॉर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। ये साल था 2008 जब यामाहा ने एफजी को लॉन्च करके इंडियन टू व्हीलर मार्केट को हिला डाला था, और अपने लॉन्च होने के बाद से ही ये बाइक को क्रेजी रिस्पॉन्स मिलने लगा, क्योंकि इसके आने से पहले मार्केट में हीरो होंडा सीबीजी एंड हंक जैसी बाइक्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। वह यामाहा की तरफ से क्रैक्स जैसी बहुत ही बेसिक बाइक्स आ रही थी जो कि बैक टू बैक फ्लॉप होती जा रही थी। ये पहली बाइक थी 160cc सेगमेंट में जिसमें 140 सेक्शन का टायर था, और लोग इसके लुक्स एंड डिजाइन के पीछे पागल थे क्योंकि ये वो बाइक थी जिसका इंडियंस कब से इंतजार कर रहे थे, या फिर कहूँ कि ये पहली बाइक थी जो प्रॉपर नेकेड स्टाइल स्ट्रीट बाइक थी इंडिया में। इस बार यामाहा पूरी तैयारी के साथ उतरी थी मार्केट में, क्योंकि यामाहा को पता था अगर इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है तो सिर्फ अच्छी बाइक ही काफी नहीं है बल्कि उसे अफोर्डेबल प्राइस पर भी लॉन्च करना जरूरी है, और यामाहा ने बिल्कुल वैसे ही किया। साल 2008 में यामाहा ने एफजी को मात्र 65,000 रुपीस के प्राइस में लॉन्च किया। इतने कम प्राइस में बेहतरीन लुक्स के साथ 153cc का पावरफुल इंजन मिलता था जो कि 14 bhp की पावर और 13.6 nm का टॉर्क जनरेट करता था। और हाँ, आपको बता दूं कि दिस इज द ओनली जनरेशन जिसमें सबसे ज्यादा हाई पावर देखने को मिली। कंपनी ने इस बाइक को एफजी 16 के नाम से रिप्रेजेंट किया, लेकिन सवाल यह आता है कि इसमें 160cc का इंजन मिलता ही नहीं तो फिर 16 क्यों? तो इसका बेसिक सा लॉजिक है, इसमें 153cc का इंजन मिलता है जो कि 150cc से ज्यादा है, तो बस इसी वजह से इसको 16 की कैटेगरी में रखा गया। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यामाहा ने काफी प्लानिंग के साथ इस बाइक को इंडिया में लॉन्च किया था, तो बस इस बाइक के ब्रांड एम्बेसडर भी इसी प्लानिंग का हिस्सा थे जो कि हैं जॉन अब्राहम। जॉन के बारे में तो आपको पता ही होगा, धूम फिल्म के बाद से उनकी पहचान एक सुपर बाइक राइडर की बन गई थी जो उनके केस में रियल भी है। अब क्योंकि जॉन अब्राहम इस बाइक को प्रमोट कर रहे थे तो इसका असर इसकी सेल पर काफी अच्छा देखने को मिला। जॉन खुद यामाहा की वीमैक्स और FZ1 ओन करते हैं, और FZ16 FZ1 का ही बेबी वर्जन है। ये बाइक इसलिए पॉपुलर नहीं हुई कि इसमें थिक टायर मिलता था, बल्कि उसके साथ साथ बड़ा मस्कुलर फ्यूल टैंक, 41mm थिक फ्रंट सस्पेंशन के साथ रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन भी मिलता था। साल आया 2009 और अब हमें देखने को मिला एफजी का एक और वर्जन, या फिर कहूँ इसका नया अपडेट जिसको नाम दिया गया FZS। इस बाइक में सिर्फ दो चेंजेस देखने को मिले जो कि थे ड्यूल टोन कलर एंड क्वाइट लिटिल वाइजर राइट नेक्स्ट टू स्पीडोमीटर। इसके अलावा ये बाइक एग्जैक्ट सेम थी अपने फर्स्ट वर्जन की तरह। अब यहाँ अगर एफजी की बात हो ही रही है तो हम यामाहा R15 को कैसे भूल सकते हैं। जहां FZ प्रॉपर नेकेड बाइक थी, वहीं R15 एक फुली फेयरिंग स्पोर्ट बाइक थी, लेकिन यामाहा R15 में कमी थी और वो थी उसमें रियर में 100 सेक्शन का टायर मिलता था, जिसकी वजह से पीछे से ये बाइक काफी ज्यादा छोटी और अजीब लगती थी। इन दोनों बाइक्स के लॉन्च होने के बाद एक ग्रुप ऐसा भी था जो चाहता था कि एक ऐसी बाइक हो जो फ्रंट से तो R15 हो और रियर से FZ की तरह हो, तो बस इसी चीज को देखते हुए यामाहा ने FZS के लॉन्च करने के अगले महीने ही लॉन्च कर दी यामाहा फेजर। वैसे अगर पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मैं भी उसी ग्रुप को बिलोंग करता हूं जो कि फेदर जैसी बाइक चाहते थे। ये बाइक भी कम्प्लीटली FZ थी, बस इसमें फ्रंट में बिकनी फेयरिंग लगा दी गई थी। ऐसा नहीं है कि यामाहा ने फेदर के नाम से पहले बाइक लॉन्च नहीं की, इससे पहले भी यामाहा फेदर को लॉन्च कर चुका है जो कि 125cc में आती थी और वो देखने में काफी ज्यादा खराब लगती थी। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो उसकी प्राइसिंग भी यामाहा ने काफी ठीक रखी थी जो कि थी 72,000 एक्स शोरूम। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि यामाहा बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ इंडियन मार्केट में आया है। शानदार लुक्स, बढ़िया पावरफुल इंजन और एकदम अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ इस बाइक की काफी अच्छी सेल हुई। साल आया 2010 और इस वक्त FZ यामाहा के लिए हॉट सेलिंग बाइक बन चुकी थी।
यानी कि इन दो सालों में यामा ने एफजी की 100,000 यूनिट सेल कर दी थी इंडिया में। और इसी सेल के सेलिब्रेशन में यामा ने इसका एक और स्पेशल एडिशन मार्केट में उतारा, जो कि था ब्लैक एंड गोल्ड कलर के ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में, जिसमें आपको यामा एफजी एस और यामा फेदर दोनों ही बाइक देखने को मिले। साल 2011 में कोई ज्यादा बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला इस बाइक में। साल 2012 के आते आते तक एफजी की सेल थोड़ी सी ड्रॉप होने लगी थी, वही यामा R15 की सेल काफी ज्यादा बूम कर रही थी। अब अगर ड्रॉप होती हुई सेल को बढ़ाना था तो कुछ तो नया करना ही पड़ेगा। तो साल 2012 में ही यामा ने एफजी और R15 के लिए डेटोना किट लॉन्च की। इसमें परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, परफॉर्मेंस डिस्क ब्रेक के साथ साथ इंजन ट्यूनिंग का ऑप्शन भी दिया गया था, जिसमें इसकी पावर को 14 BHP से 16 BHP तक ले जाया जा सकता था। ये अपडेट मास मार्केट के लिए नहीं था, तो इसकी वजह से इसकी सेल पर कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा। तो फिर साल 2013 में यामा ने एफजी में कुछ नए कलर्स को इंट्रोड्यूस किया। साल 2014 में यामा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि अब तक की सबसे महंगी एफजी लॉन्च कर दी, जिसकी कीमत थी 3 लाख रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 लाख रुपए। असल में ये एफजी का इलेक्ट्रिक वर्जन था, जिसको टॉर्क मोटर ने यामा के साथ मिलकर बनाया था, जिसमें 40 BHP की पावर के साथ 100 KMPH की टॉप स्पीड मिलती थी, जो कि 0 to 100 सिर्फ 4 सेकंड में टच कर लेती। लेकिन ये बाइक भी मास मार्केट प्रोडक्ट ना होने की वजह से एफजी की सेल में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी सेल धीरे धीरे गिरती जा रही थी और अब जरूरत थी एफजी के नए वर्जन की। इसी साल जनवरी 2014 में सुजुकी ने भी यामाहा एफजी का कॉम्पिटिटर मार्केट में लॉन्च किया, जिसका नाम था सुजुकी जिक्सर। इसी को रिस्पॉन्स करते हुए यामाहा ने ऑटो एक्सपो 2014 में अपनी एफजी वर्जन 2 को शोकेस कर दिया और बता दिया कि वो कॉम्पिटिशन के लिए रेडी है। बट क्या ऐसा सच में था? ऑनेस्टली कहूँ तो बिल्कुल नहीं। इसी साल जून 2014 में यामा ने एफजी का वर्जन 2 लॉन्च किया, लेकिन यामा फैन बॉयज को इस बार निराशा देखने को मिली, क्योंकि जिस वजह से लोग एफजी को पसंद करते थे, यामा ने वही चीज इस बाइक से कम कर दी थी, और वो थी इंजन पावर। अगर डिजाइन की बात करें तो इस बार काफी स्लीक एंड शार्प डिजाइन देखने को मिला। एफजी वर्जन 2 पुरानी वाली एफजी की तरह मस्कुलर नहीं दिखती थी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी इस बार फुली डिजिटल था, बट इन माई ओपिनियन मुझे पुराना वाला ज्यादा अच्छा लगता था। अगर इंजन की बात करें तो इसमें वही 153 cc का इंजन मिलता था, लेकिन इस बार पावर को 14 BHP से कम करके 13.1 BHP कर दिया गया था। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो इस बार 13.6 Nm से घटाकर 12.8 Nm कर दिया था। ये बाइक वजन में भी थोड़ी ज्यादा ही थी, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल होने का टैग इससे छिन चुका था बिकॉज ऑफ सुजुकी जिक्सर। इसमें 13.6 BHP की पावर और 13.8 Nm का टॉर्क मिलता था। हालांकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं था, बट एफजी वर्जन 2 से तो ज्यादा ही था। इस वक्त तक यामा एफजी के कंपटीशन में 160 सेगमेंट में कई सारी बाइक्स, जैसे कि होंडा सीवी ट्रिगर, सुजुकी जिक्सर, टीवीएस अपाचे 160 RTR जैसी बाइक्स मार्केट में आ चुकी थी। लेकिन हमेशा की तरह यामा का फैन बेस तगड़ा होने की वजह से एफजी वर्जन 2 की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हुई। खैर, साल का एंड होते होते तक यामा ने एफजी वर्जन 2.0 के और भी कई सारे कलर ऑप्शन मार्केट में उतारे, लेकिन इसके अलावा यामा अभी भी काफी ज्यादा दिमाग के साथ खेल रहा था इंडियन मार्केट में। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट का नया वर्जन निकालती है तो वो पुराने वर्जन को डिसकंटिन्यू कर देती है, लेकिन यामा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वर्जन 2 के साथ साथ यामा एफजी 16 को भी मार्केट में रखा, और ये चीज यामा और उसके कस्टमर दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि अभी भी एफजी 16 का काफी अच्छा फैन बेस था मार्केट में और लोग इसे खरीद भी रहे थे, लेकिन यहाँ पर कमी थी तो फेदर 2.0 की। तो इसी साल सितंबर 2014 में यामा ने फेदर 2.0 को भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। फेदर वर्जन 2 में सेमी फेयरिंग का डिजाइन काफी अच्छा और शार्पर देखने को मिला, और ये थोड़ी सी लंबी भी लगती थी अपने ओल्डर वर्जन से, लेकिन यहाँ पर लोग इंजन पावर को लेकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखे बिकॉज ऑफ लेस पावर। एट द एंड ऑफ ही थी तो एफजी वर्जन 2 ही। साल आया 2015 और अभी फेदर 2.0 के कंपटीटर भी मार्केट में आ चुके थे, जो कि है पल्सर 150 एंड जिक्सर SF 150। ये तीनों बाइक्स अपनी अपनी स्पेशलिटी के लिए जानेंगे, जैसे कि पल्सर AS 150 नॉन फॉर इट्स प्रैक्टिकलिटी एंड माइलेज, वहीं फेजर अपनी डायनेमिक्स के लिए और जिक्सर SF अपनी फुल फेयरिंग एंड स्पोर्टिनेस के लिए जानी गई। इतना सब कुछ कंपटीशन होने के बावजूद भी इस सेगमेंट में सिर्फ एक ही बाइक थी जिसकी सेल नंबर 1 पर थी, और वो थी एफजी वर्जन 2.0। साल आया 2016 एंड ये साल ऐसा था जिसमें प्राइस हाइक के अलावा कुछ नया अपडेट देखने को नहीं मिला मार्केट में। और फिर आ गया साल 2017, इस बार काफी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले बिकॉज ऑफ BS4 एमिशन माउंट्स। अब एफजी एंड फेजर में BS4 FI इंजन आ गया था। खैर, ये सब तो नॉर्मल चीजें ही थी, लेकिन इस साल एक और झटका मिला यामा फैन बॉयज को, और वो था द लीजेंडरी यामा FZ16 का डिसकंटिन्यू हो जाना।
2008 से 2017 तक का एक लंबा सफर पूरा करने के बाद इस बाइक ने अलविदा कह दिया। लेकिन जब एक जाता है तो दूसरा भी तो आता ही है ना। तो बस FZ16 को ट्रिब्यूट देने के लिए यामाहा ने मार्केट में लॉन्च की यामाहा FZ25, जो कि जैपनीज मैन्युफैक्चरर की पहली मेड इन इंडिया बाइक थी। यामाहा ने इसको इंडिया में 1.19 लाख रुपीस के इंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च किया। ये यामाहा की तरफ से ऑल न्यू FZ थी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड इंजन। FZ25 देखने में काफी ज्यादा बल्की लगती थी। इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक, फुल LED हेड एंड टेल लैंप, बट इंडिकेटर में अभी भी हैलोजन बल्ब भी मिलते थे। उसके अलावा ये पहली FZ थी जिसमें रियर डिस्क ब्रेक भी देखने को मिला। वहीं अगर बात करें इसकी इंजन की तो इसमें 249cc का एयर कूल्ड इंजन मिलता था, जो कि 20.9 BHP की पावर और 20 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। ये वो टाइम था जब मार्केट में इकलौती 250cc नेकेड मोटरसाइकिल थी। इस बार यामाहा ने रिस्क लेकर कुछ नया ट्राई किया एंड इट वॉज वर्थ इट फॉर यामाहा। इन द मिड ऑफ 2017 न्यूज आने लगी अबाउट फेदर 25। जगह जगह पर इस बाइक को सपोर्ट किया जाने लगा। अब तक फेदर अपने डुअल हेडलैम्प वाली सेमी फेयरिंग वाले अमेजिंग डिजाइन के लिए जानी जाती थी, बट ये पहली बार था जब यामाहा ने फेदर को सीरियस ही नहीं लिया और डिजाइन शायद किसी इंटर्न से करवा दिया, क्योंकि फ्रंट से इसको देख के ऐसा लगता था जैसे कि FZ25 के साइड से फेयरिंग चिपका दी गई है बस। साइड प्रोफाइल फिर भी थोड़ी सी ठीक लगती थी, लेकिन फ्रंट पर कोई इनोवेशन देखने को नहीं मिला। जिस तरह यामाहा ने फेदर को इग्नोर किया, उसी तरह कस्टमर ने भी फेदर 25 को बुरी तरह इग्नोर किया एंड इसकी सेल ना के बराबर ही हो पाई ऑल ओवर इंडिया। साल आया 2018 और इस बार भी कोई मेजर अपडेट देखने को नहीं मिला। ऑटो एक्सपो 2018 में यामाहा ने FZ के कुछ नए कलर ऑप्शन शोकेस किए एंड वही हमेशा की तरह प्राइस हाइक। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था कि कुछ दिन बाद न्यूज आने लगी FZ25 के हेड कवर के बोल्ट में कुछ इशू आ रहा है। बाइक चलाते वक्त खुल के गिर जाता है, इसी वजह से यामाहा ने 70,000 FZ25 को रिकॉल किया। 2019 आते ही जनवरी महीने में यामाहा ने लॉन्च की FZ वर्जन 3.0। ये वो टाइम था जब यामाहा अपनी FZ को लेकर सीरियस होना बंद हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर यामाहा ने एप्पल वाली स्ट्रेटजी पर काम किया, यानी कि पुराने वाले डिजाइन को थोड़ा सा पार्ट उठाओ और थोड़ा सा नए वाले डिजाइन का पार्ट उठाकर तीसरा नया वर्जन बना दो। FZ वर्जन 3 कुछ और नहीं बल्कि FZ वर्जन 2 और FZ 25 का ही एक कॉम्बिनेशन थी। जो खेल यामाहा ने FZ 25 और फेदर 25 के साथ खेला था, वही सेम इस बार FZ वर्जन 3 के साथ भी खेला गया, यानी कि फ्रंट में FZ 25 और रियर में FZ वर्जन 2 को लेकर बना दी FZ वर्जन 3.0। हाँ, इस बार ये अच्छा था कि इसमें इंजन पावर को कम नहीं किया गया था पहले की तरह, लेकिन यामाहा की सरकस से FZ फैनबॉयज को ज्यादा कुछ नहीं दिखे। इन द एंड ऑफ 2019 यामाहा लॉन्च्ड BS6 वर्जन ऑफ FZS। People were thinking that इस बार इंजन में कुछ तो चेंज हुआ, कुछ तो पावर मिलेगी, बट अगेन यामाहा ने डिसअपॉइंट किया। इस नए BS6 इंजन में टॉर्क तो 12.8 Nm की जगह 13.6 Nm हो गया था, लेकिन पावर को 13.2 BHP से घटाकर 12.2 BHP कर दिया गया था। खैर, इस वक्त तक FZ की स्पोर्ट कंप्यूटर वाली इमेज चेंज होकर बस एक कंप्यूटर बाइक वाली रह गई थी, जस्ट लाइक हीरो स्प्लेंडर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन भी जान लो। यामाहा के पास MT-15 है, जो कि 155cc के इंजन होने के बावजूद 18 BHP की पावर जनरेट करती है। इवन KTM ड्यूक 125, जो कि सिर्फ 125cc की बाइक होने के बावजूद 14 BHP की पावर प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या फायदा आपके 153cc होने का, जो कि सिर्फ 12 BHP की पावर प्रोड्यूस कर रही है। साल आया 2020 और यामाहा ने शोकेस की अपनी ऑल न्यू FZ25 वर्जन 2। मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से हमें इसका लॉन्च देखने को नहीं मिला। बस कंपनी ने इसके डिजाइन और स्पेक्स को रिवील कर दिया था। उसके बाद यामाहा ने अप्रैल में अनाउंस किया कि वो जल्दी ही FZ25 वर्जन 2 को लॉन्च करने वाले हैं। एंड ये वही समय था जब हमारे देश में फेदर जैसी बेहतरीन सेमी फेयर टूरर बाइक का अंत हो चुका था। उसके अलावा फेदर 25 भी कुछ ज्यादा खास अच्छा कमाल नहीं दिखा सकी मार्केट में, तो फाइनली इस बाइक सेगमेंट को ही यामाहा ने डिसकंटिन्यू कर दिया। दोस्तों, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि फेदर वापस इंडिया में आए, और आपके हिसाब से क्या स्पेक्स एंड फीचर आने चाहिए, कमेंट में बताओ। खैर, जुलाई 2020 में फाइनली यामाहा ने FZ25 वर्जन 2 को इंडिया में लॉन्च कर दिया। इस बार बाइक का डिजाइन पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड एंड मैच्योर था। स्पेशली फ्रंट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखा यामाहा ने, जिसमें ऊपर की तरफ DRL और नीचे की तरफ प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया था, जो कि अगेन FZ में फर्स्ट टाइम देखने को मिला। साथ ही यामाहा ने इसका S वर्जन भी मार्केट में उतारा, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि नकल गार्ड, वाइजर और गोल्डन रिंग। वहीं इंजन की बात करें तो अभी भी पावर फिगर सेम ही था, बस 0.1 Nm टॉर्क ज्यादा मिलने लगा था। नवंबर 2020 में यामाहा ने FZS का विंटेज एडिशन लॉन्च किया, जिसमें कुछ न्यू एक्स्ट्रा कलर्स के साथ ब्राउन कलर की सीट मिलती थी। दिसंबर 2020 में न्यूज आई कि यामाहा ने FZX के नाम से एक बाइक को पेटेंट किया इंडिया में, एंड पीपल वर थिंकिंग दैट कि ये एक एडवेंचर बाइक होने वाली है फ्रॉम FZ लाइनअप।
साल आया 2021 और जून के महीने में यामा ने लॉन्च की FZX एट द प्राइस ऑफ 1.17 लाख रुपीस एक्स शोरूम इंडिया। अगर इसकी डिजाइन की बात करो तो इसमें ऑल न्यू डिजाइन देखने को मिलता है जो कि अब तक की FZ लाइनअप से बिल्कुल अलग था। इसमें हाई ट्रेवल सस्पेंशन के साथ लंबी सीट, डुअल डिस्क ब्रेक, ऑल टेरेन टायर्स, LED टेल लैंप के साथ LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प विद सर्कुलर DRL के अलावा ऑल न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर देखने को मिले। वही इंजन की बात करें तो इसमें वही सेम FZ वाला इंजन मिलता था विद द सेम पावर फिगर्स। साल 2022 में हमें पुरानी वाली FZ में कुछ नए कलर स्कीम के साथ प्राइस हाइक देखने को मिला जो कि एज यूजुअल होता ही आ रहा था पिछले काफी सालों से। वहीं साल 2022 में न्यूज सुनने को मिल गई कि यामा FZ का वर्जन 4.0 मार्केट में लाने वाली है। इसके बाद फरवरी 2023 में यामा ने लॉन्च की FZ वर्जन 4.0। इस बार रियर का डिजाइन तो पूरा सिमिलर था FZ25 से, वहीं फ्रंट को इसके एक नई शेप दी गई। इसके अलावा सेफ्टी एंड फीचर्स की बात करें तो ऑल LED सेटअप के साथ LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स विद सिंगल चैनल ABS। अगर इंजन की बात करें तो फिलहाल इसमें 149cc का इंजन मिलता है जो कि इसको अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा अंडर पावर बाइक बनाता है। या यूं कहूं कि फाइनली यामा ने इसको एक बेसिक कम्यूटर की तरह से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है क्योंकि इस बार पूरा फोकस माइलेज पर है जो कि लगभग 50 km/h तक मिल जाता है। साल आया 2024 और यामा ने फिर से वही किया जो अब तक होता आ रहा था, इन इवन नंबर ऑफ इयर्स, न्यू कलर्स स्कीम एंड प्राइस हाइक। वेल, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो दिस इज द ओनली FZ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। इंजन तो पहले से अंडर पावर आ रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि वीडियो के एंड में यामा की स्ट्रेटेजी का पैटर्न पता चलेगा, तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। और अगर नहीं समझे तो बताता हूँ कि यामा ओड ईयर में बाइक में न्यू अपडेट लाता है और इवन ईयर में न्यू कलर स्कीम के साथ FZ का S वेरिएंट। तो इस पैटर्न के हिसाब से साल 2025 में FZ का 5.0 वर्जन आने की उम्मीद है। एंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यामा से और ऐसा क्या है जो आप देखना चाहते हैं FZ के अंदर? साथ ही ये भी बताओ कि क्या फेदर वापस आनी चाहिए इंडिया में? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में मिलने वाली सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल बाइक्स कौन कौन सी हैं तो स्क्रीन पर आ रहा ये वाला वीडियो देखिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा।